बच्चों गुड मॉर्निंग। आप सब अच्छे हैं और अच्छे होंगे ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ। ओके बच्चों, आज हम कक्षा 8 हिंदी मीडियम सब्जेक्ट हमारा गणित विषय गणित अभ्यास 2 और अभ्यास 2 का 2.1 बहुत अच्छा सिंपल आज हमारा टॉपिक है उसको हम सॉल्व करेंगे। प्रश्न क्रमांक इससे 12 लिया है, इससे पहले मैंने आपको समझा दिया। इसमें क्या पूछा है, निम्न का मान स्तंभ विधि से हल कीजिए। दी गई संख्या को हमें क्या करना है बच्चों, दी गई संख्या हमें हल करना है। किस विधि से करना है, स्तंभ विधि से। स्तंभ और क्षैतिज हम पहले भी पढ़ चुके हैं। सीधी लाइन, स्ट्रेट लाइन, सीधी लाइन स्तंभ होती है, क्षैतिज आपने पढ़ा होगा। इस तरह की लाइन जो आपकी आकार ऑब्लिक या आपकी कैसी होगी, क्षैतिज। अब यहां से देखें इसमें क्या दिया है बेटा, संख्या क्या दी है, 23। हमें 23 संख्या का क्या निकालना है, स्तंभ विधि से मान ज्ञात करना है। तो बहुत सिंपल है, क्या करते हैं देखिए, सबसे पहले दी गई संख्या आपकी है 23। अब हम क्या करेंगे, इसको संख्या में इकाई का अंक हम क्या मानेंगे, इसको बी, और यहां हम क्या मानेंगे, इकाई का अंक 2। यहां हमने क्या मान लिया, इकाई का अंक क्या मान लिया हमने, ऐसा लिख सकते हैं माना इकाई का अंक जो था 3, हमने इसको भी मान लिया। दाई का अंक क्या है, 2, इसको हमने क्या मान लिया बच्चों, 2। ओके, हमें यहाँ ए और बी के 2 मान हमें मिले 23 संख्या से। अब हम स्तंभ विधि से हल करेंगे, स्तंभ विधि से हल करेंगे तो इसके लिए छोटा सा सूत्र है, ए स्क्वायर टू ए बी और बी स्क्वायर आपने पढ़ा होगा, इनको सर्वसमिका बोलते हैं। तो ये सर्वसमिका होती है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये हमारी क्या है, सर्वसमिका। हम क्या करेंगे, यहाँ गौर से देखें बेटा, ए का मान 2 है, 2 का यहाँ ए स्क्वायर है, 2 बार गुणा करें, 2 दूनी 4, ये 4 हो गए। यहाँ से 2ab, तो 2 ए का मान 2, 2 दूनी 4, बी का मान 3, तो कितना हो जाएगा बेटा, यहाँ से 2 दूनी 4 और बी का मान 3, 4 किए 12 है, कितना हो जाएगा, 4 किया 12, बी का मान कितना है 3, बी स्क्वायर है, 2 बार 2 घात है उसमें, तो 2 बार गुणा करेंगे 3 करके 9, कितना हो जाएगा 3 करके 9, ये हमारी संख्या है बेटा। अब हम क्या करेंगे, ये हमारे पास संख्या है, अब हम यहाँ से क्या करेंगे, इनको कैसा बनाएंगे, ढाई अंक में, ढाई अंक में बना सकते हैं। जैसे सपोज कर 0 संख्या है तो यहाँ 0 नोट कर सकते हैं, 09। ओके, अब हम क्या करेंगे, इकाई का शेष रहने देंगे और इसके साथ में जो 0 ऐड किया है तो यहाँ इसको 0 को प्लस करते हैं, ये कितना क्या आएगा, 12। अब इसमें इकाई का संख्या के लिए जोड़ेंगे और बचा क्या, दाई का अंक क्या बचा, 1, तो दाई का अंक 1 इसमें प्लस कर देंगे, कितना आ गया, 5। अब यहाँ हम संख्या नोट करेंगे, देखना यहाँ से क्या लेंगे, चलिए इसे भी लिख देता हूँ आपको और समझ में आ जाएगा। यहाँ देखना 09, इसमें इकाई का अंक कितना है, इकाई का अंक क्या है, 9, ये 9 ले लिया। अब इसके बाद में यहाँ इकाई का अंक 9 हो गया, यहाँ देखेंगे इसमें इकाई का अंक क्या है, 2, तो क्या ले लेंगे, अब इसमें यहाँ कितना है, 1, एक हमने किसमें, दाई का अंक शुरू ए स्क्वायर वाली संख्या में प्लस कर दिया, कितना आ गया, 4, 5। अब यहाँ सिंगल है 5, 529,
तो इसका मतलब क्या होगा बेटा, 23 का वर्ग कितना हुआ, 529। ये सिंपल है विधि, कैसे सिंपल है देखना, यहाँ ए स्क्वायर, दो का दो बार गुणा चार, दो ए बी, दो गुणे दो चार, चार किए बारह, ये बारह आ गए, बी स्क्वायर, बी स्क्वायर कितना है तीन, तीन तरीका नौ। हमने इसको इकाई ढाई बनाने के लिए हमने क्या किया, ढाई अंक बनाने के लिए जीरो को नोट कर लिया, तो ये कितना हो गया 09। अब हमारा इसमें से हमने इकाई का अंक लिया, ढाई का अंक हमने क्या जोड़ा, जीरो था नहीं ना, इसलिए जीरो लगा लिया, उससे कोई फर्क पड़ना नहीं, होता तो कोई मतलब नहीं है फिर, तो हमने क्या किया जीरो को क्या कर दिया 12, यहाँ से इकाई जोड़ने में लेंगे वर्गमूल में, जो हम वर्ग निकालते हैं उसमें लेंगे, और ढाई का अंक यूज करेंगे प्लस करने में स्तंभ विधि के लिए, तो यहाँ इकाई का नौ है, ढाई का जीरो है, तो हमने जीरो को प्लस कर दिया, यहाँ इसका टोटल 12 है, हम इसमें क्या करेंगे इकाई का वर्गमूल के लिए लेंगे और ढाई का इसमें पिछले में जोड़ देंगे, तो इसमें एक एक जोड़ देंगे, चार में पाँच, तो आपकी संख्या क्या आ गई, अब क्या बताया था मैंने, हमने यूज कर ली ढाई, ढाई की संख्याओं को हमने प्लस करने में यूज कर लिया, अब हम इकाई नौ, यहाँ से इकाई दो और यहाँ से इकाई पाँच, इस प्रकार से संख्या कौन सी बनी 529। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, 23 का वर्ग करेंगे तो कितना आएगा 529, यदि हम 23 का दो बार गुणा करें तो दो बार गुणा करने पर बच्चों कितना आएगा 529। तो ये स्तंभ विधि है, इसमें पीडीएफ के माध्यम से और भी स्तंभ विधि से मैंने क्वेश्चन हल किए हैं, वो मैं आपको भेज रहा हूँ, उसमें आप समझें, प्रैक्टिस करें और आप सॉल्व करें, इसके बाद में अगली नेक्स्ट न्यू टॉपिक के साथ तो कल फिर आपसे मिलेंगे बेटा अगले वीडियो में, तो कुछ और इसके टॉपिक पे चर्चा करेंगे कुछ, और आपको ये जो क्वेश्चंस हैं ये पीडीएफ के माध्यम से सॉल्व किए हैं मैंने, वो मैं आप तक भेज रहा हूँ, तो आप नोट करें और फेयर वर्क भी कंप्लीट करते रहें और इसका प्रैक्टिस अभ्यास भी करते रहें, जिससे आपको अच्छे से समझ में आएगा। इस प्रकार से कल नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे बेटा एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए आप स्वस्थ रहें, अच्छे रहें, ओके बेटा, थैंक यू, गुड बाय।